आइए दोस्तों चालू करते हैं आज ब्लूप्रिंट इवेल्युएट करना OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मैं गौरव शर्मा विद शेपर्स एजुकेशन। अब अपन चालू करने वाले अगले कुछ दिनों के अंदर रीस्टार्ट सीरीज, जिस सीरीज के अंदर अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर चैप्टर नंबर एंड तक पूरा डिटेल इवेल्युएशन, पूरा डिटेल रीडिंग लर्निंग के साथ विथ नोट्स हर एक चीज़ को अपने पढ़ते हुए चलेंगे और टिल द एग्ज़ाम ये सारी चीज़ अपने को वापस लर्न हो जाए। जो फ्रॉम द डे फर्स्ट बच्चा देख रहा है वहाँ से लेके लास्ट एंड वीडियो तक ये सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे जो जनरली अपने को गुजरात बोर्ड पूछता है। इसके अलावा आज अपन वीडियो बना रहे हैं सबसे पहले तो ब्लू प्रिंट के ऊपर, बेसिकली कि अब गुजरात बोर्ड ने अपना पेपर ऑफ पैटर्न वेटेज वगैरह चैप्टर वाइज थोड़ा बहुत क्या कराया, चेंज कराया। पहले 10 मार्क के एमसीक्यू आते थे, अब 20 मार्क के एमसीक्यू आने लग गए हैं। तो ऐसे कुछ चेंजेस अब गुजरात बोर्ड ने रिसेंटली किए हैं इन बोर्ड 2023-24 के अंदर जो 12th में आते हैं चैप्टर। सबसे पहले तो चैप्टर वाइज वेटेज अपने देखेंगे, इसका ओवरव्यू वेटेज देखेंगे, कितना मेरे को एक चैप्टर पे कितना टाइम देना यूटिलाइज करना है मेरे को अपना टाइम, कितना बेसिकली हर एक सेक्शन, जैसे मेरे पास पेपर के अंदर 5 सेक्शन आते हैं, किस सेक्शन के अंदर कितना मेरे को बेसिकली टाइम कंज्यूम करना है, टाइम कितना लिखना है मेरे को, लिखने में कितना टाइम, एमसीक्यू लिखने में कितना टाइम लगाना है, वन मार्क्स के कितने लिखने हैं मेरे को, 2 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम लगाना है, ये सारा इवेल्युएशन आज की वीडियोस में चालू करते हैं विद शेपर्स एजुकेशन। मैं गौरव शर्मा, आइए बढ़ते हैं सबसे पहले तो OCM जिसका पेपर कोड है 046। सबसे पहले तो आते हैं सर, 5 टाइप के सेक्शन आएंगे मेरे पास। सेक्शन ए सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जहाँ पे 20 क्वेश्चन मेरे को पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स इसका मतलब सर 1 मार्क्स ईच, 20 एमसीक्यू अपने पास आएंगे, अपने इस 20 एमसीक्यू को बेसिकली अपने पास टोटल 180 ओवरऑल मिनट रहता है 100 मार्क कंप्लीट करने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो एमसीक्यू को मैं 20 मार्क्स देता हूँ फॉर OCM सब्जेक्ट। अगर OCM की बात करूँ तो बहुत ही इजी टाइप के एमसीक्यूज बनते हैं एज कम्पेयर टू अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अपने को थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना पड़ता है, यहाँ पे अपने पास ये ऑप्शन नहीं कैलकुलेट करने की, वो बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस टाइप के एमसीक्यू बोर्ड पूछता है ये अपने आने वाली सीरीज के अंदर, रीस्टार्ट सीरीज के अंदर अपने वापस चालू करेंगे कि किस टाइप के, बेसिकली जिन बच्चों ने अपनी मेन क्लास अटेंड नहीं की है शेपर्स एजुकेशन की OCM की, अब वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे सारे एमसीक्यू प्रिपेयर कर सकते हैं। हम इसके बाद में सीरीज के बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मेरा आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि जनरली पूछा जाता है 1 मार्क के लिए 10 क्वेश्चन, जो पहले भी पूछे जाते थे 1 मार्क के लिए 10 क्वेश्चन पहले भी आते थे, पहले भी उसके लिए अपने 15 मिनट का टाइम यूटिलाइज करते थे। टोटल 180 में से मेरा 35 मिनट्स 20 मिनट हो गया मेरा एमसीक्यू के लिए, नेक्स्ट 15 मिनट्स हो गया मेरा वेरी शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इस बार क्या हुआ है, चेंज हुआ है, इस बार 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्क्स के लिए। तो टोटल ओवरऑल वेटेज की बात करें तो इसका है 26, जो सेक्शन सी आता है बेसिकली जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 2 मार्क के, जो पहले भी आते थे पर पहले वो 2 मार्क के आते थे जनरली 10, अब आते हैं 13 क्वेश्चन मेरे पास आते हैं जिसके वेटेज है 26 और उसको मैं सबसे ज़्यादा टाइम मतलब एज कम्पेयर टू एमसीक्यू और वन वर्ड क्वेश्चन आंसर के कंपैरिजन में यहाँ पे मैं 40 मिनट्स देता हूँ क्योंकि मेरे पास 13 क्वेश्चन है। हालांकि 40 मिनट्स अपने लिए बहुत होता है क्योंकि अपना आगे का जो मिनट है वो इस हिसाब से डिसाइड है कि मेरे को मैक्सिमम क्या मिल रहा है, मैक्सिमम टाइम मेरे को मिल रहा है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इस तरीके से अपन ने प्लानिंग की है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन अपने को 8 पूछे गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स ईच, मतलब टोटल अगर वेटेज की बात करूँ तो यहाँ पे 24 मार्क्स का ये सेक्शन होगा जहाँ पे 8 क्वेश्चन अपने पास आएंगे, इसमें और के भी क्वेश्चन आएंगे। आते हैं इसके टाइम पे, तो टाइम ड्यूरेशन में यूटिलाइज करूँगा इसमें 45 मिनट्स टू कंप्लीट दिस 8 क्वेश्चन फॉर द 3 मार्क्स। जनरली 3 मार्क्स के अंदर अपने बात करें तो अपने सबसे पहले तो 3 मार्क्स के अंदर क्या लिखते हैं सर, सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, फिर इसके बाद में मैं जो भी कंसेप्ट मेरे को पूछा गया है, और फिर लास्ट में मैं क्या लिखता हूँ इसमें कंक्लूजन वगैरह ड्रॉ करता हूँ। तो ये हो गए मेरे 3 पार्ट, बेसिकली 3 मार्क का क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ ना तो बोर्ड अपने से एक्सपेक्ट करता है तो 3 मार्क का क्वेश्चन में 2 या 2.5 पेज भर के आऊँ, इसमें ये तीनों कंटेंट मेरे होने चाहिए 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आता है मेरा ऐसे टाइप क्वेश्चन जो पहले भी आते थे 5 मार्क के लिए, अभी भी 5 मार्क के लिए 4 क्वेश्चन मेरे को पूछे जाएंगे, जो बेसिकली कितना होगा
जो बेसिकली मेरा 20 मार्क्स का ओवरऑल वेटेज रखता है और जिसमें सबसे ज़्यादा मैंने टाइम यूटिलाइज किया है 1 घंटे का, मतलब 60 मिनट का टाइम यहाँ पे मैं गाइज यूटिलाइज कर रहा हूँ टू कंप्लीट दिस ओनली 4 क्वेश्चन। अच्छा ये ओनली 4 क्वेश्चन तो अपने बोल रहे हैं पर एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे अपने को इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन जो पूछा है वो मेन आंसर, फिर उसके बाद में कंक्लूजन, तो बहुत सारी चीज़ें कम से कम ढाई मोर देन 3 पेज अपने को, 2.5-3 पेज तो अपने को इसमें बढ़नी है। तो हो गई ये किसकी बात, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की। अब आते हैं चैप्टर वाइज, अगर मैं बात करूं किसकी वेटेज की, तो चैप्टर वाइज वेटेज के अंदर सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर फर्स्ट की, नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, जिसका वेटेज है कितने का, 10 मार्क का टोटल उसका वेटेज है। अभी तक अगर बात करें तो अपने फोकस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, ज़्यादा फोकस करते हैं कि सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लंबा चैप्टर है, अच्छे खासे क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं, पर चैप्टर नंबर फर्स्ट इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी बेसिकली चैप्टर है जिसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन जिसमें से बन सकते हैं और ये पूरा का पूरा मैं इस कोर्स कर सकता हूँ। अगर बात करूँ मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की तो कितने मार्क का बन रहा है सर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेरा बन रहा है 6 मार्क का टोटल मेरे को वेटेज दे रहा है। नेक्स्ट चैप्टर आता है मेरा प्लानिंग, प्लानिंग में मेरे को वेटेज मिल रहा है कितने का, 7 मार्क्स का। मतलब जिन चैप्टर्स को अभी तक अपन ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे, चैप्टर नंबर 2 को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते थे, आ गया 6 मार्क पे, मतलब मेरे को एज कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले मैं क्या पढ़ना चालू करूँगा, चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे आता है सबसे ज़्यादा, डायरेक्टिंग और फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग डायरेक्टिंग, ये 3 चैप्टर 10-10 मार्क्स के लिए आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से डिफ़िकल्ट अगर मैं बात करूँ तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं जनरली इन चैप्टर्स में से, क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट दे रखा है अपने को काफ़ी वाइड कंसेप्ट दे रखा है, बहुत सारी टाइप्स अपन पढ़ते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने पढ़ते हैं डिविजनल फंक्शनल टाइप, इसके अलावा फॉर्मल इनफॉर्मल, डायरेक्टिंग के अंदर अपने कम्युनिकेशन के टाइप पढ़ते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा चैप्टर मेरे को लगता है वाइड है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इन 3 चैप्टर्स के अंदर। पर अपने रीस्टार्ट सीरीज में इन चैप्टर्स को विथ नोट्स करने वाले तो अपने को कोई भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट आते हैं किस पे, जितना प्लानिंग का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का वेटेज था उतना ही कंट्रोलिंग का वेटेज है। अगर मैं बात करूँ पूरे कोर्स के अंदर तो सबसे कम वेटेज वाले ये 2 चैप्टर, पहले भी सबसे कम वेटेज वाले 2 चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग था, आज भी ये 2 चैप्टर सबसे कम वेटेज में रखे गए हैं। नेक्स्ट आता है मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट आर द मोस्ट, मतलब अगर इनकी कंसेप्ट की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इनमें दे रखे हैं, अलग अलग टाइप के डिसीजन बता रखे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, ये सारे अपने रीस्टार्ट सीरीज में अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, 9 मार्क्स, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग क्या होता है अपन ने पढ़ा था, ब्रांडिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन ने पढ़ रखा है, वापस रीस्टार्ट सीरीज में अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रोडक्शन फॉर 8 मार्क्स, वेरी इजी चैप्टर, मतलब ये सेम है अगर मैं बात करूँ किसकी चैप्टर नंबर 1 की, क्यों, क्योंकि चैप्टर 1 मेरे लिए बहुत ईजी था, ये चैप्टर भी बहुत ईजी है फॉर स्कोरिंग पर्पज़। अगर मैं बात करूँ कि मेरे को अगर OCM में सबसे पहले ज़्यादा मार्क्स लेके आने स्कोर करना है तो सबसे पहले कौन से 2-3 चैप्टर मेरे को पढ़ना चाहिए, जिसमें सबसे पहला चैप्टर 1 था और सेकंड चैप्टर आता है मेरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वेरी मतलब उसमें बहुत मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा बिजनेस एनवायरमेंट, 6 टाइप के बिजनेस एनवायरमेंट रहते हैं, अपन ने क्लास में पढ़ रखा है रिवीजन सीरीज के अंदर, रीस्टार्ट सीरीज के अंदर अपन वापस ये 8 मार्क्स के लिए वापस पढ़ने वाले हैं। बेसिकली 6 टाइप के अपने को इकोनॉमिकल एनवायरमेंट बता रखा है, सोशल एनवायरमेंट बता रखा है, टेक्निकल एनवायरमेंट बता रखा है मेरे को, लीगल एनवायरमेंट बता रखा है मेरे को, तो ऐसे बहुत सारे टाइप के अपने को एनवायरमेंट्स बता रखे हैं अपनी बुक के अंदर। जो मेन इस चैप्टर का अगर मैं बोलूँ हार्ट तो वो बस वो एनवायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर पार्ट है। तो ये था पूरा का पूरा 100 मार्क के लिए, ये था 100 मार्क के लिए पूरा ओवरव्यू फॉर द OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसका पेपर कोड है 046। अब नेक्स्ट जब भी अपनी वीडियो आएंगी उसके अंदर अपने इकोनॉमिक्स को भी ऐसे ब्लूप्रिंट को थोड़ा इवेल्युएट करेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे किस टाइप से प्रिपरेशन अपने को नेक्स्ट क्लास के अंदर करनी है, रीस्टार्ट सीरीज के अंदर क्या क्या कंटेंट अपने लेके आएंगे, वो सारी चीज़ें अपने नेक्स्ट वीडियोज के अंदर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम बीइंग।